नमस्कार साथियों, मैं कमलेश शर्मा जयपुर राजस्थान से जन सरोकार मंच से मैं आप सभी का जो इस मंच से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय सूरज सिंह नेगी जी का, श्रीमती मीना सिरोला जी का, जिन्होंने पाती अपनों की मुहिम चलाकर विलुप्त होती हुई पाती लेखन विधा को फिर से जीवित किया है, जन जन तक पहुंचाया है। देश में ही नहीं, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए हैं। अपने इस अनूठे प्रयास में आपने हमें भी शामिल किया, हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री देवेंद्र जोशी जी का, आदरणीय अशोक सक्सेना जी का, जिन्होंने हमें इस जनोकार जन सरोकार मंच से अपनी पाती वाचन का मौका दिया। इस पाती अपनों की मुहिम से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और जिन किरदारों को मैंने पत्र लिखे, चाहे वो पिता हो, बेटी हो, गुरु हो, शिष्य हो, मित्र हो या कोई भी हो, जिन्हें भी पत्र लिखे, आज अपने को उनके ज़्यादा करीब पाती हूँ। बेटी को पत्र लिखकर उसे एक अच्छा इंसान, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने को प्रेरित किया, तो पिता को पत्र लिखकर अपने अंदर छिपी भावनाओं को व्यक्त किया। जो बातें मैं फ़ोन से नहीं कर पाती थी, पत्र लिखकर व्यक्त कर दी। अब इन भावनाओं को दुनिया की कोई ताकत, कोई उंगली डिलीट नहीं कर पाएगी। पत्र लिखकर अगर मैंने किसी को कुछ सिखाया तो बहुत कुछ सीखा भी। सबसे बड़ी बात, रिश्तों को करीब से जाना और निभाना भी सीखा। हालांकि हमारी पीढ़ी ने तो इस युग को जिया है जब इंतजार रहता था डाकिये का कि शायद किसी अपने का पत्र आया हो। आते जाते गेट पर टंगे लेटर बॉक्स पर नज़र चली जाती कि शायद कोई पत्र पड़ा हो। जब किसी अपने का पत्र आता तो कितनी खुशी मिलती थी। पढ़ते पढ़ते वो दृश्य, पढ़ते पढ़ते वो शब्द दृश्य पर दस्तक देने लगते और वो दृश्य चलचित्र की भांति आँखों के आगे दिखाई देते। आज के इस मोबाइल दौर में ये बातें भले ही कोरी कल्पना सी महसूस होती हों, पर पत्रों का जादू तो आज भी बरकरार है। भले ही मोबाइल पर हम कितनी ही चैटिंग कर लें, कितनी ही बातें कर लें, पत्रों की तरह हमारी धरोहर नहीं बन सकते। हम इन्हें पत्रों की तरह सजो कर नहीं रख सकते। मेरे पास आज भी शादी के बाद माँ के लिखे पत्र मौजूद हैं। माँ भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर उनके पत्र आज भी उनके होने का एहसास कराते हैं। आज भी जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी सीख याद आती है। क्या ये काम मोबाइल कर सकता है? रिश्तों की अहमियत समझकर संवेदना जगाना, जीवन को नई दिशा देना, भावनाओं को फिर से प्रभावित कर परलक्षित करना इस मुहिम की सफलता है। आज मैं जिस पत्र का वाचन करने जा रही हूँ, वह मैंने अपने मित्र को लिखा जो ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जिसमें उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब देखना ये है
कि क्या मेरा ये पत्र उसे कोई राह दिखा पाएगा। तो पत्र पढ़ती हूँ जो मैंने अपनी दोस्त को लिखा, अपनी दोस्त टीना को। प्रिय टीना, मेरा ये पत्र पाकर तुम्हें हैरानी तो हो रही होगी, है ना? तुम सोच रही हो ना कि मैं वही बहन जी टाइप पुराने जमाने की चिट्ठी पत्री लिखने वाली ही रही, पर ये भी जानती हूँ कि मेरा ये पत्र पाकर तुम्हें बहुत खुशी भी हो रही होगी और हमेशा की तरह तुम गुदगुदा रही होगी कि मैं वही रही इस डिजिटल ज़माने में भी कागज़ कलम से ज़िंदगी चलाने वाली, यही सोच रही हो ना मेरी प्यारी टीनू? क्या तुम्हें कभी इस नामुराद फ़ोन से इस पत्र जैसा आभास हुआ? इन कागज़ों के पन्नों में मेरे हाथ के स्पर्श की महक और जादू की झप्पी सा एहसास मोबाइल दे सकता है क्या? अगर मैं तुमसे फ़ोन पर बात करती तो तुम्हारे वही घिसे पिटे डायलॉग सुनने को मिलते, जैसा तुम हमेशा मुझसे कहा करती हो, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, मुझसे अपना ही नहीं संभल रहा। और फिर ज़ोरदार ठहाके के साथ तुम बात बदल देती, मेरी सुनती ही नहीं, और फिर कुछ दिन में भूल जाती कि मैंने तुमसे क्या कहा था। पर इस पत्र के साथ तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम इसे पूरा पढ़ोगी, बार बार पढ़ोगी, समझोगी और संभाल के भी रखोगी। यही फ़र्क है मोबाइल और पत्र में। टीनू मेरी दोस्त, भले ही हम मीलों दूर हों, सालों से हमारा मिलना जुलना भी ना हुआ हो, पर बचपन से हम दिल से जुड़ी हैं, अंतरंग सखियां हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर दिन हर पल की यादें हमारे साथ हैं। याद है तुम्हें कॉलेज में पहले दिन जब मैं सलवार कमीज पहनकर आई थी तो तुमने मुझे बहन जी के नाम से नवाजा था और लंबा चौड़ा उपदेश भी दिया था कि अब तो थोड़ा मॉडर्न बन जाऊं। तुम एक स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी और मैं एक साधारण से रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी, जहां लड़की के लिए कॉलेज में पढ़ना ही बड़ी बात थी। तुम्हारी स्वच्छंदता हमेशा मेरे सीधे सादे सरल स्वभाव पर भारी पड़ती, पर इन बातों का हमारी दोस्ती के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं घूमने जाना होता या किसी से मिलने, तुम हमेशा मुझे साथ रखती और कहा करती, मैं तो तुम्हें ससुराल भी साथ लेके जाऊंगी। अंदर ही अंदर मैं डरी सहमी रहती, क्योंकि मेरे परिवार वाले ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे, पर तुम उन्हें भी बहला फुसला कर मना ही लेती थी। तुम्हारे विचार मुझसे अलग थे, मैं समझाने की कोशिश करती तो तुम कहती, अब हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, हमारी पसंद नापसंद हमारी अपनी होनी चाहिए, कब तक माँ बाप की उंगली पकड़ कर चलते रहेंगे? मैं तो शादी भी अपनी पसंद के लड़के से ही करूँगी। और तुम यही कहा करती थी ना, और तुमने किया भी ऐसा ही। कॉलेज से निकलते ही तुम्हारी नौकरी मिल गई और शादी तुमने अपने सहकर्मी अविनाश से ही की। तुम प्यार जो करती थी उससे, वह भी तुम्हें जी जान से चाहता था। कभी कभी मुझे तुमसे जलन भी होती, तुम्हें मनचाहा जो मिल जाता। मेरे हालात कुछ अलग थे। कॉलेज से निकलते ही माता पिता के समझाने पर कि लड़की की मर्यादा संसारिक बंधनों में बंधकर ही सुरक्षित है, मैं विवाह सूत्र में बांध दी गई। यूं तो राजेश एक अच्छे पति साबित हुए, पर हर लड़की की तरह मुझे भी बहुत से समझौते करने पड़े थे। किसी को चाहकर भी मैं कह ना पाई थी, जहां माता पिता ने बांधा
बन गई गूंगी गाय की तरह। हमने कभी इस विषय पर बात तो नहीं की, पर आज ना जाने क्यों कलम थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी दूरियों और मजबूरियों ने मिलने और दिल खोल कर बात करने का मौका ही नहीं दिया। दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में इस कदर रम गई कि दिल दोस्ती की बातें धीरे धीरे धुंधलाती चली गई। कितने किरदार निभाए हैं हमने जिंदगी में, अब एक माँ और पत्नी का किरदार निभा रही है। पर दोस्त दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, इसे कभी फीका मत पड़ने देना। यही रिश्ता हमारी जिंदगी की संजीवनी है। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैंने तुमसे फोन पर बात की, तुम्हारी आवाज में वो खनक सुनाई नहीं दी जिसका मुझे इंतजार रहता। फिर सोचती कि ससुराल में लड़कियों को इतनी आज़ादी भी कहाँ मिलती है कि दोस्तों से गप्पें लड़ा सकें। और अब तुम एक बच्ची की माँ भी थी, सोची व्यस्त रहती होंगी। पर कल आंटी मुझे बाजार में मिली। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा हालचाल पूछा तो खपक पड़ी। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम अविनाश से तलाक लेना चाह रही हो। सुनकर मेरे पांव तले तो जमीन ही खिसक गई। कारण तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती, पर दोस्त होने के नाते कुछ कहना चाहती हूँ, इसीलिए ये पत्र लिख रही हूँ। फैसला तुम्हारा अपना होगा। मैं भी देख रही हूँ कि जिस तरह तुम ढलने लगी हो, उदास और चिड़चिड़ी रहने लगी हो, दोस्त होने के नाते समझाना अपना फर्ज समझती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी गृहस्थी में शायद कोई परेशानी नहीं, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। पर सच बताऊँ, इस शादीशुदा जीवन में हर दिन एक पल ऐसा भी आता है कि जब सोचती हूँ कि बस अब और नहीं झेल पाऊँगी। राजेश के जिद्दी स्वभाव को, गृहस्थी के बोझ को, इन बंदिशों को, पर अगले ही पल उसकी अच्छाइयाँ उसकी हर बुराई पर आधिपत्य जमा लेती हैं और मैं प्रण कर लेती हूँ कि कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। हम जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस पहिए में हवा कम होगी, हवा भरेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। तीनू मेरी दोस्त, तलाक समाधान नहीं है, समस्या है। हम अपने अहंकार से, अपने रवैये और अज्ञानता से ही रिश्तों का कत्ल करते हैं। कमियां तो किसमें नहीं होती, हर इंसान में होती हैं, पर सामंजस्य तो बैठाना पड़ता है ना। और फिर हम लड़कियां तो माँ की कोख से ही ये जन्म लेकर पैदा होती हैं। तुम तो अविनाश को जी जान से चाहती थी, उसके हसमुख स्वभाव पर फिदा थी। मेरी दोस्त, प्रेमी और पति में फर्क होता है। जब एक मकान रहने लायक नहीं रहता ना, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम उसकी मरम्मत करा के रहने लायक बनाएं, या ढहा दें। प्रत्यक्ष तौर पर ढहा कर फिर से मकान बनाना मरम्मत से ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा ही होता है पति पत्नी के रिश्ते में भी। जब लगता है रिश्ता खराब हो चला है तो तलाक का ख्याल ही जहन में उभरता है। मगर ये उतना आसान भी नहीं होता, खासकर हम महिलाओं के लिए। इसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। इंसान टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तुम सोच रही हो कि तलाक लेते ही तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, पर मेरी दोस्त, उसकी जगह नई परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। शादीशुदा ज़िंदगी जीना सिर्फ जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो मुमकिन नहीं है। फिर झगड़े किस घर में नहीं होते।
माता पिता भाई बहन में भी तो झगड़े होते हैं, तो क्या हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देते हैं? जो इंसान तुम्हें इतना प्यार करता था, पूरे सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ दुनिया के सामने अपना बनाकर घर लाया, जिसके साथ तुमने तन बांटा, मन बांटा, भावनाएं बांटी, शरीर बांटा, सपने बांटे, भविष्य की योजनाएं बांटी, ऐसे इंसान से दूर होकर तुम सुखी रह पाओगी? रिश्तों के खत्म होने वाला दुख हमें अवसाद से भर देता है। अपनी नहीं तो अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अभी वो मात्र 5 साल की है, वह भयानक मानसिक तनाव का शिकार हो सकती है। तलाक के बाद लोग खुद को उलझन में अपमानित और बेसहारा महसूस करते हैं। वो हसीन पल जो एक साथ बिताए होते हैं रह रह कर याद आते हैं। बच्चे की कस्टडी माँ को मिल जाए तो उसे पालने, शिक्षा देने, सेटल करने में माँ दूसरी शादी भी नहीं कर पाती। पैसा कमाने के लिए उसकी ज़िंदगी चिक्कर घिन्नी सी घूमती रहती है। और बच्चा अगर पिता के पास हो तो परवरिश उस तरह से नहीं हो पाती जैसा एक माँ कर सकती है। तलाकशुदा कपल के बच्चे अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। वैसे भी कोरोना वायरस के चलते कोर्ट कचहरी बंद हैं, तुम्हारे लिए ये एक मौका है अपने फैसले पर विचार करने का। तुम मेरी अंतरंग सखी हो, इसीलिए समझाना मैंने अपना फ़र्ज समझा। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सुखी और खुश देखना चाहते हैं। अच्छा, अब ये पत्र बंद करती हूँ। अविनाश से मेरे इस पत्र का जिक्र कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, शायद यहीं से बिगड़ी बात बन जाए। अपने मन की बात खुलकर मुझसे बांट पाओ तो मुझे खुशी होगी, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। राजेश भी अविनाश से मिलकर बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मेरी दोस्त, समझदारी इसी में है कि समस्याओं को हल धैर्य सहनशीलता से निकाला जाए। हो सके तो तुम भी इसी तरह पत्र लिखकर अपना मन हल्का कर कोई फैसला लेना। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। बिटिया को हमारा ढेर सा प्यार देना। बाकी बातें तुम्हारी तरफ से उत्तर आने पर होंगी। तुम्हारी जिगरी दोस्त मैं, तुम्हारी बहन जी कमलेश शर्मा। ये नाम तुम्ही ने रखा था ना, और तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराहट भी लाता है, इसलिए अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं बताती चलूं कि मेरे इस पत्र का मेरी मित्र पर क्या असर हुआ। टीना ने इस पर विचार व विमर्श किया, अपने पति को ये पत्र पढ़वाया, दोनों ने आपसी सहमति से मिल बैठकर समझौता किया और फैसला किया कि वह तलाक नहीं लेंगे। एक दूसरे से सामंजस्य बैठाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सफलता मैं समझती हूँ मेरी नहीं, टीना की नहीं, इस पत्र लेखन विदा की है, जो बिगड़े काम सवार देती है। चाहती हूँ कि इस विदा को हर देखने सुनने वाला अपनाए और नेगी सर की इस मुहिम को सफल से सफलतम बनाने में अपना योगदान दे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं, कमलेश शर्मा, आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे यूं ही किसी मोड़ पर। नमस्कार।